ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी एक शादी में आया हूँ, किसी एक भोजपुरी समाज के किसी एक खास कोई अभिनेता या कोई वैसा कोई है जो जिसके शादी में हम लोग आए हैं। पूरी इंडस्ट्री, मैं यूँ कहूँ पूरी इंडस्ट्री आज शरीक हुई है, इसमें शामिल हुई है। बहुत अच्छा लग रहा है और ये सबसे खुशी की बात मेरे लिए ये है कि इतने बड़े प्रोड्यूसर और मेरे बड़े भाई कह सकते हैं, इंडस्ट्री के बड़े भाई कह सकते हैं, एक बड़े निर्माता हैं, उनके साथ मैं पहली बार एक भोजपुरी फिल्म करने जा रहा हूँ। उनकी एक फिल्म है प्रेम कैदी, जिसका म्यूज़िक मैं कर रहा हूँ, तो बहुत खुशी हो रही है। और जिस आदमी से जैसे जिन कलाकारों से हम नहीं मिल पाते हैं रोज़ मर्रा की ज़िंदगी में, तो आज एक मिलने का मौका मिलता है उनके साथ, बहुत अच्छा लगता है। किस तरह की फिल्म है, किस तरह का म्यूजिक है? मैंने इसमें चिंटू हैं जो कि आप काफ़ी उनकी फिल्में चल रही हैं, तो उनका जो कैरेक्टर है, उनका जो एक व्यक्तित्व है, उनके हिसाब से मैंने उनका कमर्शियल, उनको बहुत ज़्यादा अभी मैं कोशिश करूंगा ये कि कमर्शियल ही रखूँ। एक दो गाने हमेशा की तरह रोमांटिक होंगे, बाकी सब कमर्शियल होगा और फुल टू पैसा वसूल। ज़्यादातर एक लाइन से एक लाइन बनाएंगे। मैं अभी हम लोग अभी काम कर रहे हैं उस पर, तो जैसे ही होगा तो हम रिकॉर्डिंग में इसका आपको बताएंगे। अभी इस पे हम लोग काम कर रहे हैं, ट्यून वगैरह पे, धुन वगैरह सर, मैं श्रेयस फिल्म के प्रोड्यूसर इस पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 3 फिल्म आज इन्होंने लॉन्च किया है, मुहूर्त किया है उसका, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और डायरेक्टर हमारे राज जी, चंद्र जी, प्रेम जी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू। बात करें मूवी के बारे में, कैसा बताएं? और आज चूँकि आज बहुत ही शुभ दिन, शुभ मुहूर्त, और ये हमारे अजय पहली बार निर्देशन का कमान संभाल रहे हैं और मैं काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हूँ कि उनके साथ ये हमारे साथ बहुत ही ये मेरी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और चाहूँगा कि हमारे जैसे वही चंदन भाई और मैं अपने बेचेंगे ना हर बारीकियां समझा गया है, हर चीज़ों की टेक्निकल नॉलेज जगह से ये मेरे लिए काफ़ी जगह सफल रहा है और इससे ज़्यादा मैं हमेशा पूरे परिवार मैं ये धन्यवाद करना चाहूँगा कि ऐसे ही आप सब लोग ऐसे ही हम सभी को लोग कहते हैं कि मुझे मेरे फादर और सब मेरे फादर भगवान और सब ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत ही हम लोगों को नसीब होता है। इसमें मुझे भगवान और मैं यही चाहता हूँ सारे लोग मेरे अच्छा होता है। दिल्ली ख्वाहिश है कि मैंने शौकियों का कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा खुश महसूस कर पा क्या कर रहा है वहाँ पे टाइम से बहुत ही सुनहरा दूर रहती है। इसी मोड़ के साथ मैं इस रात पर चल पड़ा हूँ। तुम्हारा जो बहुत ही अच्छी अकेला ही चल पड़ा था लेट क्यों कर बहुत दूर चीज़ का चलो वो मैं उसकी चिंता मत टाइम लगेगा लो पकड़ो बताना हम लोग भी चल ठीक है हम लोग भी आ रहे चलो निकल रहे हैं चलिए अंदर में चलिए आइए ना बाहर आगे नहीं चलो सर आपको बहुत देर से ढूंढ रहे हैं। कैसे आप आइए ना काफ़ी ज़्यादा मैंने अपने आप भेजे जैसे कि संभावना से जी के बारे में छोटा छोटा बहुत बड़ी बात इन्होंने जो इंडस्ट्री को दिया है वो शायद ही लोग और हम सभी इस बात को मानते हैं। इधर ही है भाई जी का होना बाकी है सवाल, आपको रोकना चाहिए। राजकुमार जी आपको लेकर इनके साथ खड़े हैं एक और ले। प्रणाम। हम आप सबके सबसे चहेता और दुलरुआ हीरो प्रदीप पांडे चिंटू और रवा सब देखा था नहीं प्लैनेट भोजपुरी आपके आपन भोजपुरी चैनल। अब बात करें जो मुहूर्त है, काफी भीड़ है, क्या है दर्शकों बताना चाहेंगे? सबसे पहले हमारे तमाम भोजपुरी परिवार के, तमाम भोजपुरिया समाज के आपके सबसे चहेता और दुलरुआ हीरो प्रदीप पांडे चिंटू की तरफ से हार्दिक प्रणाम बा। और आज बहुत ही शुभ दिन पर एगो शुभ मुहूर्त भइल बा जौन सिनेमा के नाम है प्रेम कैदी। और प्रेम कैदी के से जुड़ल जितना भी टीम के, जितना भी टेक्नीशियन, आर्टिस्ट, जितना भी लोग बाड़े, सबके तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और हम खास तौर पर धन्यवाद देना चाहेब इस फिल्म के प्रोड्यूसर प्रेम राय जी के और श्रेयस फिल्म के बैनर तले जौनी फिल्म जौनी सिनेमा के निर्माण होके जा रहा बा। और हम ये जरूर कहें कि जौन प्यार जौन आशीर्वाद आप सब हम हमेशा हमारे जौन सिनेमा के दिले बानी, वही प्यार वही आशीर्वाद हमारे आए वाला हर सिनेमा के दें। और ये सिनेमा खास तौर पर प्रेम कैदी के जरूर दें। और हाल ही में हमारा सिनेमा रिलीज भई बा दिलवन चाहिए पाकिस्तान से, जेकर अपार सफलता के बहुत 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 कारण आप सब बानी। और हम तहे दिल से आप सबके हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता नहीं। ये प्यार, ये आशीर्वाद, ये सम्मान हमेशा अपना ही बेटा भाई पर हमेशा बनाए रखें। और हमेशा अपना ही बच्चा के असही जौन भी सिनेमा आवत रहे उस सब सिनेमा के अपन प्यार और पूरा परिवार के संगे, पूरा दोस्त यार के संगे जाके अपना नज़दीकी सिनेमा हॉल में देखते रहेंगे। आपके साथ और प्रियंका जी आई हैं। मैं मौका ढूंढ रही थी कब आऊं। क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? प्रियंका एक साथ में है, इतने सारे स्टार। देखो मेरे लिए तो ये मेरे सुपरस्टार है क्योंकि मैं इनके साथ लॉन्च हुई थी तो एक बहुत ज़्यादा खुशी होती है ना कि जिनके साथ हम लॉन्च होते हैं और वो एक मुकाम पे, अच्छे मुकाम पे पहुंचते हैं। और इनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है मुझे, दर्शकों को, पूरे फिल्म इंडस्ट्री को। और उम्मीद करते बहुत अच्छा करेंगे भी। अच्छा तो कर रहे हैं और अच्छा करेंगे। क्या अभी दर्शक आप दोनों को एक साथ में दोबारा देख पाएंगे जल्दी? हाँ, अभी बहुत ही जल्द हमारी फिल्म रिलीज हो रही है जिसका नाम है दीवाने। क्या नाम है? दीवाने। और वो फिल्म बहुत ही जल्द आप सबके अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में आएगी। और वो फिल्म मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारी फिल्म हम दोनों की जो फिल्म आई थी और हमारी जोड़ी को काफ़ी पसंद किया गया था, जिस फिल्म का नाम था जीना तेरी गली में, जो 2013 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। उसके बाद उससे बहुत ही गाड़ी और उससे बहुत ही खूबसूरत, उससे बहुत ही बेहतरीन लव स्टोरी के साथ हम दोबारा दर्शकों के दिल पर दस्तक देने आ रहे हैं बहुत ही जल्द उनके अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में, जिस फिल्म का नाम है दीवाने। मुहूर्त जो है बिल्कुल अलग स्टाइल से किया गया है। एक आम फैन आपसे हाथ मिलाता है, आपका फोटो खिंचवाता है, एक शादी जैसा माहौल है जी। ये बहुत ही उम्दा माहौल है। और मैं कहना चाहूँगा कि हमारे इस फिल्म में जो डेब्यू हमारे डायरेक्शन में जो उतर रहे हैं, जिनका नाम है चंदन उपाध्याय जी, वो हमारे साथ हैं। मैं उनको जरूर आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे साथ। वेलकम वेलकम, थैंक यू। और ये इन्होंने बहुत ही एक ये जो फिल्म इन्होंने जो प्लान किया है, पूरा कॉन्सेप्ट, पूरी कहानी, पूरी स्क्रिप्ट, ये सब इन्हीं का प्लानिंग है, इन्हीं का पैकेज है। और मैं ये दिल से कहना चाहूँगा कि इस फिल्म में जो चैलेंज जो आ रहा है और जो फिल्म का जो पूरा ओवरऑल जो पैकेज आ रहा है, वो हमारे तमाम भोजपुरी दर्शकों ने जो आज तक किसी फिल्म में नहीं देखा होगा, ये मेरे दिल से ये मेरी ये दरख्वास्त है कि हमारे जितने भी जो सिनेमा प्रेमी हैं उन सभी के लिए ये बहुत ही अहम और बहुत ही खूबसूरत सा तोहफा मिलने वाला है प्रेम कैदी के रूप में। थैंक यू सर। अरे ये हो गया यार, निकाल लूं मैं। बहुत सारी